पहले हम जोन सेना आते हैं अपने ब्यूटर की तरफ। W3001 तैयार हो गया। आते हैं, ये देखो हम चलेंगे इसको हम कैसे करेंगे अब बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहर और गांव। इस वीडियो के अंदर जो है ना, हम ब्यूटर बनाने लगे। इस ब्यूटर के अंदर खासियत ये होगी कि ये 12 वोल्ट पे चलेगा, मतलब बिजली का आपका जो है ना बचत होगी। आप उसके अंदर कम से कम भी जो है ना 20 से 25 चूज़े रख सकते हैं, इतना बड़ा ब्यूटर होगा ये। ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, नॉर्मल है, मीडियम साइज़। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारा एक्वेरियम मछलियों वाला, ये देखें। तो ये भी अभी साफ़ होने वाला है, तो इंशाल्लाह ये भी हमने जो है ना आज या कल सफाई करेंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये भी हम साफ़ करेंगे अपना एक्वेरियम। पहले हम जो है ना आते हैं अपने ब्यूटर की तरफ। ये कार्टून का डब्बा है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें सामान चाहिए करता हूँ आपको, इधर वायर चाहिए होगी हमें, ठीक है। 12 वोल्ट का बल्ब जो मोटरसाइकिल वाली शॉप से मिल जाएगा आपको होल्डर्स में, ठीक है। 1 to 5 5 70 का पिछला बल्ब 12 वोल्ट का होगा। और ये हमारे पास आ गया चार्जर, ठीक है। ये 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का है, आप 12 वोल्ट 6 एम्पेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, मसला कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद हमारे पास ये डिवाइस है W3001, ये 12 वोल्ट की है। हम वो ब्लूटूथ बनाएंगे जिसमें पैसों की बचत हो। आजकल जो है वो बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, तो उस हिसाब से हम रूटर बनाएंगे जिसमें आपका खर्चा कम हो और आपके चूजे जो हैं वो सेफ रहें। और इसके अलावा उनको जो अंदर है गर्माइश मिलती रहे। रूटर का काम बेसिकली यही है कि आपके चूजों को जो है टेम्परेचर अच्छा मिले अंदर। तो शुरू करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। हमने ना चारों साइडें जो थी ना इसकी काट ली हैं और उसके ऊपर हमने लगा दिया है शीशा चारों साइडों पे। ये देखें, एक एक उधर, दो एक इधर, तीन और एक इधर, चार। और अब हम असली इसके अंदर क्या इंस्टॉल करेंगे, लकड़ी का एक पीस चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा इसके अंदर सुराख कर लें, ये देखें सुराख कर लिया होगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, दिखाता हूँ आपको। ये लकड़ी के ऊपर जो सा गोला लगता है ना, हमने वो लिए, वो लिया, गोला लिया हुआ हमने, ठीक है। इसके अंदर सुराख कर लिया है और ये हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये है जी, ये लग गया, ठीक है, ठीक हो गया। आ गई। और इसकी जो वायरिंग है, ये इसका थर्मामीटर है जो बेसिकली चेक करता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा आउट होगा करंट 12 वोल्ट का, यहाँ पर हमने इन करना है, यानी कि चार्जर हमने इस जगह पे लगाना है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम चार्जर लगाएंगे सबसे पहले, तो ठीक हो गया, चार्जर लगाते हैं इसका। पहले डिवाइस ना लगा लें इसके साथ, पहले डिवाइस लगा, पहले डिवाइस लगा लेते हैं, पहले इसको डिवाइस लगा लेते हैं हम। ये हमें चार्जर चाहिए, ठीक है, डिवाइस हमने लगा ली है। डॉक्टर, ये डॉक्टर आ गया हमारे पास। और ये इसका अब, ठीक है, प्लस माइनस है, ये हमने इसके इन पे लगाना है, ये प्लस माइनस के साथ। इसका खास ख्याल रखना है क्योंकि DC है तो इसके अंदर प्लस माइनस लाजमी देखना होता है। ये रखें, ठीक है, तो ये चल गया। अब ये हमारे पास जो है प्लस ये वाला जिसके ऊपर हमारे पास ये सफ़ेद लाइन है, ठीक है, जो ब्लैक वाला वो माइनस का है। पहले हम इन तारों को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने इसको टेप कर लिया अच्छी तरीके से।
ठीक है, अभी करंट आ गया है। अब ये आउट वाला एरिया है, ठीक है। तो जो इसके बल्ब की तार है, ये हमारे पास बल्ब की तार आ गई, ठीक हो गया। ये हम यहाँ पर सुराख है, यहाँ से निकाल लेते हैं। आगे भाई ये हमने बाहर निकाल ली, ठीक हो गया। और अब इसको हम करंट देंगे, तो ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे माइनस है। तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा बल्ब जल पड़ा है और इसका काफ़ी गर्माइश है, ठीक है। चूज़े अक्सर क्या करते हैं कि छलांगे मारते हैं बाहर की तरफ, तो इसलिए हमने ये ना तो सीधा किया, अगर बोल तो सीधा भी कर सकते हैं आप चाहें तो, इनको ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल, इनको आप टेप कर दें, ऊंचाई बन जाएगी। लेकिन बेहतर है कि जो छोटे चूज़े हैं 2-3 दिन के बिल्कुल, तो उनके लिए बेहतर है कि आप इसको ऊपर से बंद कर दें, ठीक हो गया। ऐसे करके आप इसको बंद कर दें ऊपर से, ये ये अंदर एक तो रोशनी हो गई, ठीक है। और ये हमारा बल्ब है, इसके अलावा ये मीटर जो है हमारा थर्मामीटर, इसको हम अंदर लगा देंगे। बेशक आप ऊपर से लगा दें या फिर हमें ये उठाना था तो हम ऊपर से नहीं लगाएंगे, साइड से इसके खोल कर देते हैं छोटा सा। ये मैं सुराख कर लिया, यहाँ से हम इस थर्मामीटर को अंदर लगा देंगे। ये अंदर लग गए, इसको हमने यहाँ पर लटका दिया ऊपर वाली साइड से, ठीक है। ये अंदर लगा रहेगा टेम्परेचर के साथ साथ, ये अंदर आ गया हमारा। अच्छा जी, आपको सेटिंग बताते हैं ब्रूडर की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। जो ब्रूडर की सेटिंग होगी, ये आप इसका बटन नीचे वाला दबाएंगे, तो ये देखें ये 34 पे सेट है। आपने इसका टेम्परेचर जो है 34 पे रखना है, इसको दोबारा दबा के रखें एक सेकंड के लिए, ये ब्लिंक करे जब लाइट, उसको आप ऊपर नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यह देखें, लेकिन इसको आपने स्टार्टिंग के अंदर 34 पे रखना है 3.4 के ऊपर। इसको 2 मिनट छोड़ेंगे ये खुद ही सेट हो जाएगा इसके ऊपर, और जहाँ पर जाकर दोबारा स्टार्ट हो, यानी कि 34 पे जाके बंद हो जाएगी लाइट गर्मी अंदर, और दोबारा स्टार्ट कहाँ से होगा दोबारा, तो ये हम चेक कर लेते हैं। ये 28 पे सेट है, इसको हम ज़रा कर लेंगे ऊपर, ये देखिए हम रख लेते हैं 3.2.0 के ऊपर, छोड़ेंगे तो सेटिंग सेट हो जाएगी इसकी। अभी हमारा 25 टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है, ठीक है। इसकी सेटिंग दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ये मैंने बल्ब के पास किया इसको थर्मामीटर को, अब इसकी रीडिंग ऊपर जाएगी। 34 ठीक है, 34 पे जाके ये अब बंद हो गया बल्ब हमारा। अब इसको हम दोबारा यहाँ पर छोड़ते हैं, ये नीचे आ रहा है 32 पे, हमने सेट किया हुआ 32 पे जाके दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ देखिए जी, हमारा चल गया। तो अब जो उनसे ना दोस्तों, इसके अंदर हम डालेंगे तूड़ी। हसन भाई ऊपर गए हैं, चूज़ों को लेके आएंगे तो वो हम रखेंगे, लेकिन हम उससे पहले पहले ना इसके अंदर तूड़ी भी छा देते हैं, क्योंकि ये गत्ता होता है, तो अगर अक्सर हम चूज़ों को जब पानी देते हैं ना, तो वो गत्ता गीला हो जाता है और नीचे से गत्ता लीक हो जाता है, तो तूड़ी आपने लाजमी बिछानी है अंदर। ये हमने यहाँ पे तूड़ी बिछा दी है, और उतनी देर में हसन भाई ऊपर से चूज़े ले आए हैं। ये थोड़े बड़े चूज़े हैं हमारे पास, ये दोनों बहुत शैतान है, और ये अयाम उस्मानी और प्ले माउथ क्रॉस है। अपने आपको रख के दिखाते हैं, ये देखो चले गए, इसको ऊपर से करेंगे अब बंद। ये दोस्तों हमने ब्रूटर बना तो लिया है, लेकिन चूज़े हैं बड़े हमारे पास, तो अभी हम इनको निकाल के दूसरे पिंजरे में रखेंगे, और जो उनसे इंशाल्लाह दूसरे हैच होंगे ना चूज़े, उनको इसके अंदर रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शहर और गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।